चांद के बाद अब सूरज पर छलांग, जानिए क्या है इसरो का आदित्य L1 और गगनयान प्लान। चांद पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद भारत ने अंतरिक्ष मिशन का आगाज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को दोहराते हुए इसरो के अध्यक्ष M.S. सोमनाथ ने भी बुधवार को कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के सुनहरे युग की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा के पिछले कुछ महीनों में अंतरिक्ष एजेंसियों का ध्यान चंद्रयान 3 की सफलता सुनिश्चित करने पर था, लेकिन इसके साथ ही इसरो कुछ अन्य बड़ी परियोजनाओं पर भी काम कर रहा था जो आने वाले महीनों में उड़ान भरने को तैयार है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में एक मजबूत और दक्ष खिलाड़ी के तौर पर अपना नाम अंकित किया है। इसरो अध्यक्ष ने कहा, चांद पर जाना और सॉफ्ट लैंडिंग करना एक कठिन मिशन है किसी भी देश के लिए, यहाँ तक के सबसे परिष्कृत तकनीक के साथ भी इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने इसे 2 मिशनों में पूरा कर लिया है। पहले मिशन में थोड़ी चूक हुई थी और अब हमने इसे पूरी तरह से हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि मिशन मून की सफलता के बाद भारत अगले 3 महीनों में आदित्य L1 और गगनयान समेत कई महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च करने जा रहा है। क्या है आदित्य L1 मिशन? सोमनाथ ने कहा, हमारे पास कतार में कुछ बड़े मिशन हैं। चंद्रयान 3 के तुरंत बाद हम L1 परियोजना शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये भारत का पहला सूर्य मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। इसरो अध्यक्ष के मुताबिक इस अंतरिक्ष यान को सितंबर की शुरुआत में लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। प्रोजेक्ट को पहले असेंबल किया जा चुका है और श्रीहरिकोटा प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा चुका है। इसरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अंतरिक्ष यान में 7 तरह के वैज्ञानिक पिलोट्स होंगे। इसकी मदद से अलग अलग तरह के सूर्य का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। ये यान लगभग 5 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित वैज्ञानिक मिशन है। इससे पहले इस मिशन की कल्पना आदित्य 1 के रूप में की गई थी, जिसमें 400 किलोग्राम वर्ग के उपग्रह के साथ एक पोलॉइड विजिबल इमेशन लाइन क्रोनोग्राफ VLC था और इसे पृथ्वी की कक्ष से 800 किलोमीटर नीचे लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी। आदित्य से आदित्य L1 नाम कैसे पड़ चुका? चूंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच हेलो ऑर्बिट के पहले लॉन्ग्रेजियन पॉइंट के पास रखे गए उपग्रह को बिना किसी बाधा या ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का लाभ होता है, इसलिए आदित्य 1 मिशन का नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया। इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच हेलो ऑर्बिट के लो अर्थ ऑर्बिट के स्थापित किया जाएगा। इस जगह को बिना किसी बाधा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। ये स्थान पृथ्वी से करीब 15,00,000 किलोमीटर दूर है। इसरो के मुताबिक इससे सूर्य की गतिविधियों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि इसकी वजह से अंतरिक्ष के मौसम पर पड़ने वाले असर का रियल टाइम जानकारी जुटाई जा सकती है। क्या करेगा आदित्य L1? इसरो के नवीनतम मिशन दस्तावेज में कहा गया है कि सौर्य मिशन का अंतरिक्ष यान 7 पिलोट ले जाएगा जो विद्युत चुंबकीय कण और चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टरों का उपयोग कर प्रकाश मंडल क्रोसोफियर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों क्रोना का अध्ययन करेगा। इसमें ये 4 प्लॉट विशेष सुविधाजनक बिंदु L1 का उपयोग करते हुए सीधे सूर्य को देखेंगे, जबकि शेष 3 प्लॉट लैंगलेज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों को इन सीट अध्ययन करेंगे और अंतर्गृह और गतिशीलता के प्रसार प्रभार का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। क्या है मिशन गगनयान? इसरो ने ये भी घोषणा की है कि इसी साल के आखिरी में गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन 3 चरणों में पूरा होगा।
पहला चरण मानव रहित होगा, हालांकि दूसरे चरण एक रोबोट को भेजा जाएगा और तीसरे चरण में अंतरिक्ष में 3 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे। गगनयान मिशन की शुरुआत सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों में होने की उम्मीद है। इसरो की योजना है कि परियोजना के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को एक दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके और भारतीय समुद्री जल में उतारकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इसरो ने गगनयान के जरिए मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना विकसित की है। इसरो ने अपने मिशन दस्तावेज में कहा कि परियोजना को घरेलू विशेषता, भारतीय उद्योग के अनुभव, भारतीय शिक्षा जगत और अनुसंधान संसाधनों की बौद्धिक क्षमताओं के साथ साथ अंतरिक्ष एजेंसियों के पास उपलब्ध अत्याधुनिक प्रौद्योगिकों पर विचार करके एक इष्टतम रणनीति के माध्यम से पूरा किया जाएगा। सूरज को समझेगा आदित्य L1। इसरो को समझने के लिए आदित्य L1 का प्रक्षेपण करेगा। यह देश का पहला अंतरिक्ष अभियान होगा जो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सूर्य और पृथ्वी के बीच एक खास बिंदु लैग्रेंज पॉइंट, जिसे L1 कहा जाता है, वह स्थापित होगा। यान सूर्य की हर गतिविधियों पर नजर रखेगा। सूर्य को समझने के लिए इसरो का यान 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसे सितंबर में हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा जाएगा। दुनिया नापेगा इसरो। इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने संयुक्त रूप से इसे तैयार किया है। ये उपग्रह 12 दिन में पूरी दुनिया को नाप देगा। इस उपग्रह के जरिए पृथ्वी की परिस्थिति तंत्र की पूरी विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। इसमें समुद्र का स्तर, भूजल, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन से जुड़ी जानकारी और पृथ्वी में हर घड़ी हो रहे बदलाव की जानकारी मिलेगी। वर्ष 2024 में इस मिशन को इसरो अंजाम दे सकता है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफलता लैंडिंग के साथ ही इसरो के अगले मिशन की चर्चा होने लगी है। इसरो चीफ S. सोमनाथ ने जब आज अभियान की सफलता की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए आमंत्रित किया, तो उन्होंने भी इस बारे में बताया। PM मोदी ने कहा कि जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन शुरू करने जा रहा है और इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्य में से होगा। चांद के बाद सूरज को समझने के लिए मिशन की तैयारी के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और कई बड़े मिशन को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के साथ मिलकर दुनिया को नाप निकालेगा। साथ ही भारत मानव मिशन गगनयान को पूरा कर अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद।